मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा में अपने समर्थक नेताओं से बातचीत की, उनसे राय शुमारी की और सीधे सीधे सवाल पूछा कि करना क्या है। इसके बाद छिंदवाड़ा के अन्य कार्यक्रम निरस्त किए और भोपाल होकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब कहा जा रहा है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ भाजपा में शामिल होने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं उन पांच वजहों के बारे में जो इस अटकल को पुख्ता करती है। पहली वजह है विधानसभा की हार का ठीकरा। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। प्रदेश की 230 में से भाजपा ने 163, कांग्रेस ने 66 और भारत आदिवासी पार्टी ने एक सीट जीती। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा सीधे तौर पर कमलनाथ पर फोड़ दिया। उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया, अन्य नेताओं ने भी उन्हें अलग थलग कर दिया। दूसरी वजह है अचानक अध्यक्ष पद से हटाना। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने एकाएक अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। राहुल गांधी के करीबी रहे जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस की बागडोर सौंपी गई। ना तो कमलनाथ से रायशुमारी हुई और ना ही उन्हें बताया गया और अचानक उन्हें बदलने का फरमान जारी हो गया। तीसरी बड़ी वजह है केंद्र की राजनीति करना चाहते थे कमलनाथ। दरअसल कमलनाथ की सक्रियता हमेशा से केंद्रीय राजनीति में रही है। 2018 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले उन्हें मध्य प्रदेश में भेजा गया था। जब सरकार चली गई तो लगा कि उन्हें फिर से दिल्ली बुला लिया जाएगा। इसके विपरीत पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश में ही उलझाए रखा। चौथी वजह है राज्यसभा का टिकट नहीं मिलना। कमलनाथ राज्यसभा का चुनाव लड़कर केंद्रीय राजनीति का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्होंने कांग्रेस विधायकों के लिए एक डिनर भी रखा। तब पार्टी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए सोनिया गांधी को चुनाव लड़ने का आग्रह किया। जब सोनिया गांधी ने राजस्थान को चुना तो दिग्विजय सिंह के समर्थक अशोक सिंह को भी राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया गया। यह पूर्व मुख्यमंत्री को अच्छा नहीं लगा। और आखिर में आखिरी वजह है चुनावों में दिग्विजय सिंह से अनबन। दरअसल विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा से आए कुछ विधायकों और पूर्व विधायकों के टिकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से भी कमलनाथ की अनबन हुई थी। कमलनाथ का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो टिकट मांग रहे नेताओं को कह रहे हैं कि जाकर दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। कमलनाथ खेमे को लगता है कि ये सब पार्टी ने एक धड़े ने किया, उनके खिलाफ माहौल बनाया गया। अब देखने वाली बात होती है कि किस तरीके से कमलनाथ अपना फैसला लेते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।